बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो हमारे कुछ दोस्तों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक सवाल रेज़ किया था कि ये जो इम्प्यूटेड इनकम होती है, ये इम्प्यूटेबल इनकम होती है, ये क्या होती है, ये कैलकुलेट किस तरह से होती है। चूँकि इसके कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसमें आपको स्लैब्स देखनी पड़ती हैं नॉर्मल इनकम की, फिर ये देखना पड़ता है ये किस स्लैब में फॉल करता है, फिर उसको वर्क बैक करना पड़ता है। तो इस पूरी परेशानी को देखते हुए मैंने एक्सेल के अंदर जो है वो थोड़ी सी एफर्ट करके एक कैलकुलेटर बना दिया है। तो उसमें क्या है कि सिंपल आप जाके इनकम डालेंगे, टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो आप उसकी वो आपको स्लैब भी बता देगा और साथ ही वो आपको इम्प्यूटेबल जो नेट भी और ग्रॉस इम्प्यूटेबल इनकम जो है वो भी कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बिफोर गो इनटू द मेन डिस्कशन। आप हमारा देख रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक के ऊपर जो है वो पेज है, इसी के ऊपर अभी मैंने ये कैलकुलेटर जो है ये अपलोड भी कर दिया है। इसको जाके इस ग्रुप से जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस ग्रुप को जो है वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में भी मिलती रहें। अब आते हैं कि इम्प्यूटेबल इनकम का जो टॉपिक है ये है बेसिकली क्या, ये इम्प्यूटेबल इनकम से मुराद हमारी क्या है। इम्प्यूटेबल इनकम से मुराद ये है सर कि जब कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो है या वो जब फाल कर रहा होता है फिक्स रिजीम के अंदर उसकी इनकम, वो और ज़ाहिर है उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो एट सोर्स जो है वो फिक्स कट चुका होता है। अब वो जितना भी टर्नओवर होता है, चूँकि फिक्स टैक्स जो है वो टर्नओवर बेस पे होता है, तो ये सारा टर्नओवर वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं डाल सकता, बल्कि जितना टैक्स उसके ऊपर कटा है उसको नॉर्मल इनकम की जो स्लैब है उसको वर्क बैक करेगा और वर्क बैक करके चेक करेगा कि अगर ये इनकम नॉर्मल के ऊपर ये टैक्स कटता तो वो इनकम कितनी होती। तो इस पूरे अमल और इस कैलकुलेशन के थ्रू जो इनकम हमें हासिल होती है उसको हम इम्प्यूटेड इनकम कहते हैं। अब इम्प्यूटेड इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये इम्प्यूटेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी डेफिनेशन के अंदर मौजूद है और वो डेफिनेशन भी टेक्निकली वही बता रही है जो थोड़ा सा ऊपर मैंने उर्दू के अंदर इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में जो है वो इसको मैंने ट्रांसलेट किया है। तो आगे देख लेते हैं कि जो इम्प्यूटेबल इनकम होती है, इम्प्यूटेबल इनकम जो है उसका इस्तेमाल कहाँ पे, ये रेलिवेंट कब हो जाती है। जब भी आप किसी ऐसे टैक्स पेयर की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं जिसकी इनकम जो है वो सारी या उसमें से 50% या 60% इनकम जो है वो उसकी फ़िक्स होती है, बाकी मिनिमम होती है। अब वो जो फिक्स वाली उसकी इनकम है उसके ऊपर तो टैक्स एट सोर्स कट चुका है और टर्नओवर के ऊपर कटा हुआ है। अब ये सारी की सारी इनकम को उठा के आप उधर नहीं ले जाएंगे, तो इसलिए रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे वेल्थ स्टेटमेंट को जब आप रिकनसाइल करते हैं तो उस वक्त इम्प्यूटेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है। सेकंड ये है कि जितने भी रेवेन्यू का केसेस होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, वो मतलब है असेसमेंट स्टेज के ऊपर हैं, उसके अपील में हैं या ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पर भी जब असेसमेंट होती है और इनकम को वो एड बैक करते हैं इम्प्यूटेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए, तो उस दौरान भी अगर आपको इम्प्यूटेबल इनकम का कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये पता है कि ये इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अब आगे चल के एक एग्जांपल्स के थ्रू जो है इसको इम्प्यूटेबल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसकी कमीशन इनकम है अंडर सेक्शन 233, 4.5 मिलियन की इनकम है, वो एक्टिव टैक्स पेयर पर लिस्ट पर बंदा है, तो उसका टैक्स जो है वो 12% के हिसाब से 5,40,000 कटा हुआ है। अब ये देखें 5,40,000 का जो टैक्स है ये फिक्स टैक्स है उसके लिए, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। अब दो टैक्स ईयर 2020 में उसका जो ये टैक्स कटा है 5,40,000 रुपया, इसको हम आप वर्क बैक करेंगे और देखेंगे कि अगर वो बंदा अपनी बिजनेस इनकम की जो स्लैब होती है इंडिविजुअल की उसके मुताबिक अगर 5,40,000 रुपया को हम वर्क बैक करते तो वो कौन सी स्लैब के अंदर फाल करता, तो ये स्लैब आपके सामने है। अब इस स्लैब के मुताबिक अब देखें, मैंने उसकी इनकम को वर्क बैक किया, मैंने ये देखा कि 3,70,000 रुपए वाली जो है उसके ऊपर तो वो तो है 3 मिलियन तक का, 3 मिलियन प्लस उसके अंदर जो रिमेनिंग टैक्स था उसको हमने 25 पे डिवाइड करके तो जो इनकम उसकी बनती है वो 3.6 मिलियन की बनी। अब वो 3.6 मिलियन की जो इनकम है उसमें से, अब ये ग्रॉस इम्प्यूटेबल इनकम है, इसमें से हम 5,40,000 रुपये का टैक्स निकालेंगे तो नेट जो उसकी इम्प्यूटेबल इनकम बनती है
वो बनती है 3.14 मिलियन। अब ये 3.14 मिलियन वो इम्प्यूटेबल इनकम है जिसको आप उठा के वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिकन्सिलेशन वाली टैब में जाके डाल सकते हैं। दूसरा सिनेरियो जो मेरे पास अभी है, उस सिनेरियो के मुताबिक मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। मैं ट्विस्ट ये कर रहा हूँ कि अगर फ़र्ज करें उस बंदे की कमीशन इनकम भी है और वो बंदा सर्विस प्रोवाइड भी कर रहा है अंडर 153। अब वो जो 153 के अंदर उसकी इनकम है वो मिनिमम है और उसका जो नेट प्रॉफिट बना उसके खर्चे शर्चे लेस करने के बाद, एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं, तो उसका जो प्रॉफिट बना वो 15 लाख रुपया बना, ठीक है। और उसका जो कमीशन से उसका इम्प्यूटेबल इनकम बनती है वो बनती है 3.14 मिलियन। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये टोटल इनकम उसकी बनेगी जिसको आप उठा के उसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो है एज अ सोर्स जो है वो लेके जाएंगे। और ये जो आपका रिकन्सिलिएशन वाला पेज होगा इसको आप जाके यहाँ पे डालेंगे। अब ऊपर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल इनकम है तो आपको पता है 153 वाली उसकी नॉर्मल इनकम है, मिनिमम इनकम है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। और उसकी जो फाइनल वाली इनकम है जो 7033 कोड के ऊपर आ रही है इनकम, तो यहाँ पे आप उसकी जो इनकम डालेंगे ये वहाँ वो वाली इनकम होगी जो उसको कमीशन से आई है, उसमें इम्प्यूट की है। अब वो यहाँ पे डालें, इसको कैलकुलेट करें, उसके अगेंस्ट उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ और जो कुछ भी है एक्सपेंसेस हैं वो क्लियर करें, तो इस तरह जाके आप इस इम्प्यूटेबल इनकम को जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके बाद अब आगे जाके हम थोड़ा सा देखते हैं कि वो कैलकुलेटर क्या है और वो कैसे क्या आप जो है उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। इस वक्त मेरे पास ये कैलकुलेटर है जी, सिंपल कैलकुलेटर है। इसके अंदर मैंने वही 5,40,000 रुपया वो जो टैक्स हमने एग्जांपल के अंदर देखा था, टैक्स ईयर 2020 है। सिंपल आप देख रहे हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी है, ये 3 सालों के टैक्सेस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं 2018, 19 और 20। और इसको मैं कोशिश करूँगा कि आगे प्रपेचुएट कर सकूँ इसको, जैसे 2021 के रेट आएंगे तो इस तरह हम आगे रेट ऐड करते जाएंगे, तो ये जो है वो आपको हर साल हमारे जो है वो फेसबुक ग्रुप के ऊपर अपडेटेड मिलता रहेगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले जिस भी बंदे की 18, 19 या 20 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो टैक्स ईयर सेलेक्ट करें। टैक्स ईयर सेलेक्ट करने के बाद इस सेल के अंदर जितना भी फिक्स के अंदर उसका टैक्स कटा हुआ है वो टैक्स की अमाउंट लिखें। जैसे ही आप अमाउंट इंटर करेंगे, अमाउंट इंटर करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये नीचे उसकी वो स्लैब आ गई, एग्जैक्ट वही स्लैब है, ये ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम दे देगा। उसके बाद ये उसकी जो है वो इम्प्यूटेड ग्रॉस इनकम है 3.6, इसमें से वही 5,40,000 रुपये का जो टैक्स कटा हुआ है वो आप लेस करने के बाद ये जो है वो नेट 3.14 मिलियन की जो है वो उसकी नेट इम्प्यूटेड इनकम है जिसको आप उठा के वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ले जाएंगे। तो ये वो सारी हैसल के अंदर पढ़ने बगैर आप जो है वो इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करें। इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको हमारे ग्रुप से जाके आप जो है वो डाउनलोड करें और इसको आप जो है इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपकी कैलकुलेशन तेज़ हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी और आसान हो जाएगी, और आप जितनी मर्ज़ी कैलकुलेशन जो है वो 3 सालों की आप करना चाहें ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर अवेलेबल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो शॉर्ट सी वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे है, उसकी कैलकुलेशन होती कैसे है, फार्मूला कैसे इस्तेमाल होता है, और एंड पे एक गिव अवे है मेवन कंसल्टिंग की तरफ से कि आपको हमने वो कैलकुलेटर एक छोटा सा हेल्पिंग टूल दिया है जिसकी मदद से आप आराम से जो है वो अपनी इम्प्यूटेबल इनकम जो है उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।